हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा, उस ट्रिक्स या कंसेप्ट से आप थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली और विद इन 1 मिनट में कर लोगे। तो अभी मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना बेटा और लिख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो सबसे पहले व्हाट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब हो गया मेजर ऑफ रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस। कहने का सिंपल सा मतलब है कोई मॉलिक्यूल, कंपाउंड या सिस्टम में कितना डिसऑर्डरनेस है, कितना इजीली वो मूव कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल इजीली मूव कर सकते हैं। उससे कम एंट्रोपी लिक्विड की होगी और सबसे कम सॉलिड की होगी। जस्ट समझने के लिए ये पॉइंट है एंट्रोपी। एंट्रोपी का यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है, तो ds इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल बाई t, राइट। उसके बाद ये इंटीग्रेशन का साइन है, क्यों, क्योंकि हमें चेंज चाहिए तो डेल्टा एस हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे जो हीट लेना है आपको वो कौन सा लेना है, रिवर्सिबल प्रोसेस का ओनली, इररिवर्सिबल का आप नहीं ले सकते। तो इस पॉइंट पे ध्यान रखना, कभी कभी चार ऑप्शन दे करके विच इज करेक्ट या विच इज इनकरेक्ट फॉर्मूला तो भी पूछा जा सकता है। तो हीट रिवर्सिबल प्रोसेस का लेना है, तो ये आपका हो गया राइट। अब इसके दो पार्ट बनेंगे, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और डी क्यू रिवर्सल का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सल बाई टी हो जाएगा, राइट। तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो फिर आपको जो हीट रिवर्सल प्रोसेस का उसको एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लेके आना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जा करके होगा। बट हम ये नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, उससे आप किसी प्रॉब्लम को कर सकते हो। तो ये हो गया बेसिक पॉइंट अबाउट एंट्रोपी। एंट्रोपी का कैलकुलेशन चाहे वो नीट का एग्जाम हो या जेई का, आपको दो पार्ट में पूछा जा सकता है। एक आइडियल गैस के केस में आपको पूछा जा सकता है और एक फेज चेंज और केमिकल रिएक्शन में पूछा जा सकता है। तो आइडियल गैस के केस में वेरी सिंपल है, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू एन मोल्स हो गया, सी वी हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ln मतलब नेचुरल लॉग है वो, और T फाइनल बाय T इनिशियल मतलब फाइनल टेम्परेचर बाय इनिशियल टेम्परेचर, प्लस N मोल्स हो गया, R कांस्टेंट है गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन लेना आपको, अगेन ln नेचुरल लॉग है, V फाइनल बाय V इनिशियल। तो ये फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे, जब वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवेन हो। उसी एंट्रोपी को निकालने का एक और फॉर्मूला है, एन सी पी मतलब हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एल एन टी फाइनल बाई टी इनिशियल वैसा ही है, एन आर एल एन। यहाँ पे ध्यान देना वॉल्यूम फाइनल ऊपर में था, यहाँ पे प्रेशर इनिशियल ऊपर में होगा, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम एंड प्रेशर इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। तो जब प्रेशर और टेम्परेचर गिवन होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आइडियल गैस के केस में एंट्रोपी निकालने का बस यही फॉर्मूला, राइट। अब इसके डिफरेंट सब पार्ट हम बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आइसोथर्मल बोला तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, एन आर एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल या फिर एन आर एल एन पी इनिशियल बाई पी फाइनल, डिपेंडिंग कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है वो यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आइसोबारिक हुआ तो प्रेशर कॉन्स्टेंट, ये जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, एन सी पी एल एन टी फाइनल बाई टी इनिशियल। सिमिलरली आइसोकोरिक तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो गया, ये जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एन सी वी एल एन टी फाइनल बाई टी इनिशियल। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो क्यू ही जीरो हो गया, राइट, और क्यू जीरो हो गया तो एस भी जीरो हो जाएंगे, डेल्टा एस भी जीरो। तो इसलिए ध्यान देना कि आइडियाबेटिक प्रोसेस ही क्या है, आइसो एंट्रोपिक, बट द कंडीशन इज कि हमने हीट कौन सा लिया, रिवर्सिबल वाला, तो एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस होगा, तो ये ध्यान रखना। और साइक्लिक प्रोसेस में भी डेल्टा एस जीरो, क्यों, क्योंकि इट इज ए स्टेट फंक्शन। तो ये सब पार्ट हमने बना दिया, फॉर्मूला हमारे पास एक ही है। आइडियल गैस का जैसे ही क्वेश्चन आए आपको यहाँ से थिंक करना है बेटा। सिमिलरली अगर हमें फेज चेंज में पूछा जाए तो वी नो फेज चेंज होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से बाहर निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो डेल्टा एस जो हो जाएगा वो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बाय टेम्परेचर हो जाएगा, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा एच के, एन्थैल्पी बाय टेम्परेचर। तो ये बहुत ज़्यादा यूज होंगे आपको, जब भी फेज चेंज होगा तो एंट्रोपी जो हो जाएगा वो डेल्टा एच बाय टी हो जाएगा। अब वो फेज कहाँ पर हो रहा है, अगर फ्यूजन में हो रहा है तो डेल्टा एच फ्यूजन बाय टी हो जाएगा, वेपोराइजेशन में हो रहा है तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाय टी हो जाएगा, सब्लिमेशन हो रहा है तो डेल्टा एच सब्लिमेशन बाय टी हो जाएगा, राइट, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन।
सिमिलरली केमिकल रिएक्शन में हमारे पास दो फार्मूला है टोटल डेल्टा एस निकालने का। एक इनडायरेक्ट वे है, दैट इज डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसके बारे में हम आगे के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो यहाँ से क्या हो सकता है, डेल्टा जी दे दे, डेल्टा एच दे दे, तो आपको डेल्टा एस पूछा जा सकता है। तो इस फार्मूले से निकालना है, चूँकि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो होता है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। वैसे इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो लेक्चर में। तो डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बाई टी। तो ये एक यूज कर सकते हैं, समझ के बाद, या फिर डेल्टा जी डेल्टा एच दे दे, तो यहाँ से डेल्टा एच निकाल सकते हैं। ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, तो ये पॉइंट नंबर टू से डेल्टा एस रिएक्शन का निकालना हो तो सेम वैसे ही जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका स्टॉइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना है उस प्रोडक्ट के मोलर एंट्रोपी से। एक मोल का एंट्रोपी आपको गिवन होगा, उसके स्टॉइकोमेट्रिक से मल्टीप्लाई करके सारे प्रोडक्ट का सम कर लेना है, माइनस वैसे ही रिएक्टेंट में जो जो होंगे उसके स्टॉइकोमेट्री और उसकी मोलर एंट्रोपी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके सम कर लेना, मतलब ऐड कर लेना, और प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर देना, यू विल गेट एंट्रोपी। तो इस पे बेस भी प्रॉब्लम आते हैं, इस पे तो रहते हैं बेटा, इस पे भी रहते हैं और आइडियल गैस पे भी। तो अब मैं सबका आपको एक एक प्रॉब्लम कैसे करना है अप्लीकेशन में बताता हूँ। Now some of the important point, or again that is very very important, ideal gas के केस में अगर मैं बात करूँ, temperature अगर increase हो रहा है तो obvious सी बात है randomness क्या होगा, increase होगा, क्योंकि molecule आपका क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे, right? Similarly pressure अगर increase होगा तो molecule closer आएंगे, तो randomness क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये ध्यान देना, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपने ज़्यादा स्पेस दे दिया मूव करने को, तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, मोल्स बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ा तो रैंडमनेस बढ़ेगी। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। सिमिलरली एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वही आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्यू जो हो गया वो जीरो हो गया, तो डेल्टा एस भी जीरो हो जाएगा, इसलिए इस पॉइंट पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेल्टा एस इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी था, राइट, और डी क्यू को क्या ले सकते हैं, एम एस डी टी, और बाई टी एम तो आपका मोल या मास हो जाएगा जो बाहर आ जाएगा, एस जो स्पेसिफिक हीट है तो वो भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट ही रहता है मोस्टली, तो डी टी बाई टी एल एन टी हो गया। अगर लिमिट पुट कर देंगे टी इनिशियल से टी फाइनल, तो एल एन टी फाइनल बाई टी इनिशियल, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। नाउ फेज चेंज या केमिकल रिएक्शन में आप कैसे पता करेंगे डेल्टा एस पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो वेरी सिंपल, अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा। डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, स्टॉइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट गैस वाला सबका ऐड कर लेना, माइनस स्टॉइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट गैस वाला उसको माइनस कर देना, राइट। बट अगर डेल्टा एन जी जीरो है किसी रिएक्शन का, तो डेल्टा एस कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो भी, स्मॉलर भी और जीरो भी हो सकता है, तो वी कांट से एनीथिंग, वो डिपेंड करेगा कि आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की वैल्यू क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा, बट इन दोनों केस में श्योर है। तो ये पॉइंट का ध्यान रखना। और एंट्रोपी ही एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका एब्सोल्यूट डिफाइंड है, क्योंकि वी नो एट 273 डिग्री सेल्सियस या फिर जीरो केल्विन पे जो एंट्रोपी होता है वो जीरो होता है, तो इसलिए इसका एब्सोल्यूट भी डिफाइंड है और चेंज भी डिफाइंड है, बट रेस्ट जो बचे हुए हैं थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी लाइक इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिफ्ट एनर्जी, इन सब का एब्सोल्यूट डिफाइंड नहीं है, ऑलवेज हम चेंज डिफाइंड करते हैं। जैसे पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट नहीं डिफाइंड है, कोई रेफरेंस ले तो उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो वैसे यहाँ पे बट ये एब्सोल्यूट डिफाइंड है। तो ये सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में 30.4 किलो जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट वन मोल ऑफ NaCl। डेल्टा एस एट मेल्टिंग पॉइंट इज गिवन टू यू, जूल पर केल्विन में है एट 1 atm, मेल्टिंग पॉइंट NaCl का बताना है। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि आइडियल गैस का है, फेज चेंज का या केमिकल रिएक्शन का। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की बात क्या है, तो फेज चेंज है, डेट मीन्स NaCl सॉलिड जो था वो किस में जा रहा है, NaCl लिक्विड में। ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट की बात। तो इतना जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट वन मोल ऑफ NaCl, तो आपको क्या क्या गिवन है, डेल्टा एच गिवन है, कितना हो गया 30.4 किलो जूल, ध्यान देना ये है किलो जूल में, राइट। और आपको क्या गिवन है, डेल्टा एस भी गिवन है, कितना 28.4 जूल्स है, ये ध्यान देना है। चूंकि ये जो रिएक्शन होगी सॉलिड से लिक्विड वाला इक्विलिब्रियम पे होगी, राइट, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा,
तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, या फिर आपको फेज चेंज बता रखा हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे होता है, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा एच मेल्टिंग पॉइंट वाला बाय टेम्परेचर टी, राइट। तो आपको ये डेल्टा एस गिवन है कितना, 28.4 इज इक्वल टू डेल्टा एच मेल्टिंग गिवन है, बस यूनिट का ध्यान रखना है, ये किलो जूल में तो इंटू 1000 करना पड़ेगा बाई टेम्परेचर टी, तो यही टी नहीं करना तो क्या हो जाएगा 30.4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 28.4, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 1070 केल्विन। तो देखो ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर टू में एंट्रोपी ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इज इंक्रीज बाय दिस, ये एंट्रोपी गिवन है आपको, डेट मीन्स डेल्टा एस आपको गिवन है 0.836 जूल पर केल्विन, और ऑन एडिंग रिवर्सिवली ये वर्ड यूज करना पड़ेगा, इतना जूल ऑफ हीट, तो डेट मीन्स क्यू आपको रिवर्सल प्रोसेस का गिवन है कितना 0.344 जूल्स, एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी कांस्टेंट है, तो फिर अगेन हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी, राइट, क्योंकि कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और डी क्यू रिवर्सल का इंटीग्रेशन क्यू रिवर्सल हो जाएगा, इसमें सब गिवन है, पूछा क्या है टेम्परेचर, तो अगेन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो क्यू रिवर्सिबल बाय डेल्टा एस, क्यू रिवर्सिबल आपको गिवन है कितना हो गया 0.3344 बाय 0.836, अगर आप ध्यान से देखो तो इस पॉइंट से अगर यहाँ ये करोगे तो यहाँ पे ये होगा, अभी ये नीचे वाला बड़ा और ये छोटा है तो ये तो हो नहीं सकता था, और ये 8432 आएगा, डेट मीन्स 0.4 केल्विन, ऐसा नहीं कि आपको पूरा सॉल्व करना है, ध्यान से देखो मैं कैसे करता हूँ, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में एंट्रोपी चेंज ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यू टू 100 डेसीमीटर क्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस, तो क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ गया क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया आइडियल गैस है और उसका एंट्रोपी चेंज निकालना है, ध्यान दें आइसोथर्मल है तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा आपका, और वॉल्यूम गिवन है तो एन आर एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल, यहाँ पे पुट कर दो n कितना है मोल्स 2, r कितना हो गया 8.314, नेचुरल लॉग है इसको लॉग विथ बेस 10 में ले जाएंगे तो 2.3 मल्टीप्लाई होगा, और लॉग ऑफ वॉल्यूम फाइनल कितना हो गया 100 बाई 10, तो ये लॉग 10 1 हो जाएगा, इसलिए 2 इंटू 8.314 इंटू 2.3, अब पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, ध्यान से देखो यहाँ तक तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 16.6 इंटू 2.3 हो जाएगा, मतलब ये 35 से ज़्यादा आने वाला कैसे, क्योंकि 16 टू द 32 तो वो हो गया और 16 थ्री द 48 जो प्लस 5 आ रहा है अप्रॉक्स, तो 37 मतलब 38 के आसपास वाला, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फोर में 1 मोल है आइडियल गैस एट दिस टेम्परेचर इन 2 लीटर वेसल में रखा हुआ है, ध्यान से देखो तो क्या कह रहा है, अंडरगोज आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्ड लगाना है क्योंकि हीट हमें रिवर्सिबल प्रोसेस का चाहिए, एक्सपेंशन ऑफ 2 लीटर टू 3 लीटर अगेंस्ट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ दिस, तो डेल्टा एस सराउंडिंग बताना है, तो अगेन वही हो गया, डेल्टा एस अगर मैं निकालना चाहूँ तो वेरी इजिली निकाल सकता हूँ चूँकि ये आइसोथर्मल है तो सेम वही वॉल्यूम गिवन है तो एन आर एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल, मोल्स 1 है आर 8.314 है, एल एन ऑफ वी फाइनल इज 3/2, तो 1 इंटू 8.314 नेचुरल लॉग को लॉग विथ बेस 10 में तो 2.303, राइट, और लॉग 3 माइनस क्या हो जाएगा लॉग 2, लॉग 3 आपको मालूम है 0.48, लॉग 2 होता है 0.30, तो ये कितना आ जाएगा ध्यान से देखो 8.314 2.303 इंटू 0.8, अब इसको आपको नियरेस्ट इंटीजर में बताना था, ये प्रॉक्स में ये आंसर आ जाएगा आपको नियरेस्ट इंटीजर में 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3, तो ये आइडियल गैस पे बेस इस टाइप से आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ए गिव्स यू बी एट 300 केल्विन, डेल्टा जी इस रिएक्शन का गिवन था और डेल्टा एच गिवन था, ध्यान देना किलो जूल में था वो, डेल्टा एस जूल पर मोल पर केल्विन में, यूनिट का ध्यान रखना है, तो रिएक्शन के केस में आपको बता रखा हूँ डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एस आपको निकालना है बाकी वैल्यू गिवन है, डेल्टा जी कितना है ध्यान से देखो माइनस में 49.4 इंटू 10 की पावर 3 किलो जूल में, तो जूल में मैं ले आया इज इक्वल टू डेल्टा एच आपको गिवन है
51.4 × 10³ किलो जूल में था तो जूल में ले आया, माइनस में टी टेम्परेचर आपको 300 और डेल्टा एस, तो यहाँ से निकल जाएगा डेल्टा एस। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा 51 और 49 100 और ये 0.8, तो ये माइनस में 100.8 × 10³ राइट इज इक्वल टू माइनस में 300 × डेल्टा एस। तो यहाँ से डेल्टा एस कितना हो जाएगा 100.8 × 10³ राइट। तो अप्रॉक्स आपको इसको 100 ले सकते हो राइट, तो ये दो जीरो से इसका चाहो तो इधर कैंसिल कर दो, तो ये सिर्फ 10 बचेगा और इसको डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स में 336 आ जाएगा आपको आंसर, इंटीजर टाइप में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एंट्रोपी CH4O2CO2 और H2O का गिवन है रिएक्शन का, तो इसी टाइप के बारे में बात कर रहा था मैं। तो रिएक्शन का हम कैसे लिखेंगे, पहले प्रोडक्ट की एंट्रोपी, प्रोडक्ट में कौन कौन है वाटर, वाटर का आगे का कोफिशिएंट 2, तो इसको क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, ये नहीं कि जितना वैल्यू दिया उतना ही लेना है, इसको कितना ले लोगे 70 to the 140। उसका CO2 का चाहिए, इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसको 1 से रहने दो, 213 है तो आप 210 ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें ऑप्शन गिवन है। सिमिलरली O2 के आगे कोफिशिएंट 2 है तो इसको 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 410 राइट। और CH4 के आगे कोफिशिएंट 1 है तो ये रहेगा आपका 186, जिसको आप 186 रहने दो या 190 ले लो फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, तो क्या क्या करना है आपको 140 + 210 माइनस रिएक्टेंट में 410 + 186, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर माइनस में आने वाला, सारा ऑप्शन माइनस में ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो तो ये कितना हो गया, ये 350 हो गया माइनस ये 410 और प्लस 186। ध्यान से देखो तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ऑलरेडी ये मेरा कितने में आ रहा है -60 और उसमें भी -186 ऐड करना है, तो डेफिनेटली ये 240 के आसपास आ रहा है, ऐसा हमारे पास एक ही ऑप्शन है। आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, बस अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर करके आंसर तक पहुंचना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 5 ये गिवन थे, किसमें डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस, तो यू नो वाटर था, आइस मतलब सॉलिड, तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो रैंडमनेस कम होगी, तो डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो ये हो जाएंगे। फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस अगेन दिस टेम्परेचर पे, तो इसमें भी डेल्टा एस नेगेटिव होगा। N2 3H2 2NH3, रिएक्शन के केस में आपको कैसे बोला था डेल्टा एन जी, तो इसका 2 − 3 और 1 − 4, तो 2 − 4 माइनस आ गया, तो माइनस है तो डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा, तो ये भी हो जाएगा। एडजॉर्प्शन ऑफ CO ऑन लैड सरफेस, तो एडजॉर्प्शन से पहले CO आपका फ्री था मूव करने के लिए, लेकिन जब वो एडजॉर्ब हो जाएगा तो उसकी रैंडमनेस कम हो जाएगी, तो ये भी हो जाएंगे। और ई डिजोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, वाटर में जब NaCl को डालोगे तो सॉलिड था वो एक्वस में, तो राइट तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, तो इसलिए ये नहीं होगा, तो ये 4 ऑप्शन होंगे। तो इस तरह के कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 में किसमें एंट्रोपी नेगेटिव होगा, तो अगेन डेल्टा एन जी, यहाँ पे ध्यान से देखो नेगेटिव आ रहा है -2, तो यही ऑप्शन हो जाएंगे। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगेन वाटर में डाल रहो तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे गैस मिल रहा है, डेल्टा एन जी इसका पॉजिटिव है 1। और ये सब्लिमेशन मतलब क्या हो गया कि आयोडीन जो सॉलिड में था उसको डायरेक्ट आप आयोडीन गैस में ले जा रहे हो, तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 में किसमें एंट्रोपी नेगेटिव होगा, डायमंड से ग्रेफाइट में अगर जा रहा है तो यू नो कि ग्रेफाइट की रैंडमनेस ज़्यादा होती है। अगर बाय द वे ये नहीं भी मालूम है तो ये देखो प्रेशर क्या हुआ 1 atm से 5 atm, प्रेशर बढ़ा दिया गया है तो रैंडमनेस कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल क्लोजर हो जाएंगे, तो डेल्टा एस इसी का नेगेटिव होगा। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया गया है तो एंट्रोपी बढ़ेगी। यहाँ पे H2 जो एक तरह से कंबाइंड थे बॉन्ड के थ्रू, अब उसको 2H एटॉमिक फॉर्म में कर दिया तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो इस टाइप के कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे बहुत ज़्यादा गलत ही करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 1 kg आइस था जो 273 केल्विन पे था, उसको 1 kg वाटर वेपर में 383 केल्विन पे ले जाना है, तो इस प्रोसेस का डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज क्या होगा, और ये सब आपको गिवन थे और ऑप्शन भी गिवन थे। तो यहाँ पे जो गलती होती है वो ध्यान से समझना, वो गलती आपको नहीं करना है, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं पहुँचेगा राइट। कैसे होगा, जो वाटर आपका आइस था बेटा राइट,
पहले वो कहाँ चला जाएगा, वाटर लिक्विड में, बट यू नो इस कंडीशन में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, डेट इज फ्यूजन या मेल्टिंग। अगर ये 273 पे है तो ये भी 273 पे, क्यों, क्योंकि ये चीज़ आप प्रैक्टिकल फील कर सकते हो। आइस को लो और उसको हीट करो तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता, क्योंकि वो हीट कहाँ चली जाती है, उसको मेल्ट करने में, राइट। तो यहाँ तक कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। फिर H2O लिक्विड से H2O गैस बनेगा, तो ये कहाँ पे जा करके 373, राइट। फिर से यहाँ पे H2O गैस पूरा का पूरा आपका वाटर जब तक गैस में कन्वर्ट नहीं होगा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, डेट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, डेल्टा H वेपोराइजेशन, और ये हो गया डेल्टा H फ्यूजन। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है, ये सब जो हिडन इंथैल्पी है उसका ध्यान रखना। और फिर ये H2O गैस को फिर से H2O गैस में ही ले जाना, बट कहाँ पे, 383 केल्विन पे। ये अभी कहाँ पे था, 373 केल्विन पे। तो इतना प्रोसेस है। अब यू नो कि यहाँ पे ये कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे होता है, और ये भी कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे होता है। तो पहले इन दोनों का मैं एंट्रोपी निकाल लूँ, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन बाय टी, राइट। डेल्टा एच फ्यूजन आपको गिवन था 334 बाय टेम्परेचर 273। तो अब ध्यान से देखो तो ये अप्रॉक्स में 1 point something आएगा, राइट, 1.3 मैं मान लेता हूँ, ये हो गया। सिमिलरली अगर मैं इस प्रोसेस का डेल्टा एस निकालूँ तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाय टी। डेल्टा एच वेपोराइजेशन आपको गिवन था 249 बाय 373। तो आप ध्यान से देखो तो ये अप्रॉक्स में 7 point something होगा, राइट। तो हमें क्लियर आइडिया पता लग रहा है कि ये वैल्यू 8 से ग्रेटर होगी, राइट। अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन हमारे पास ऐसा एक ही है, 9.26। ये तो पॉसिबल ही नहीं था, ये भी पॉसिबल नहीं है, और ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों प्लस इसका भी जोड़ना मत भूलना। और इसका कैसे निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो आपका n 1 kg है, तो m1 cp आपको गिवन है, राइट। cp कितना है, H2O लिक्विड का 4.2, और ln ऑफ T2 by T1 मतलब वही कितना हो जाएगा, 373 by 273। इसलिए ये log की ये सब वैल्यू आपको गिवन है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसका भी कुछ वैल्यू ऐड होगा, तो ये ऐड कर करके अप्रॉक्स 9 तक पहुंच जाएगा। इसलिए ऐसा एक ही ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा कैलकुलेशन करना है, तो ध्यान से देखो कैसे करते हैं। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एंट्रोपी है उससे रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी, डैट मीन्स वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उसके बारे में पता लगता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसके लिए आपको एंट्रोपी किसका मालूम होना चाहिए, यूनिवर्स का, जो अपने आप में एक बहुत ही टफ काम है, क्योंकि यूनिवर्स छोटा नहीं बेटा, राइट। सिस्टम को छोड़ करके जो भी बचा वो यूनिवर्स है, तो उसकी एंट्रोपी निकालना बहुत ही मुश्किल है, इनफैक्ट यू कैन से कि इम्पॉसिबल ही है। तो इसलिए हम स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया में इसको यूज नहीं करते हैं, बट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना है। अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, बट ध्यान रहे यूनिवर्स का, सिस्टम का नहीं, इस पॉइंट पे ध्यान रखना आपको। यूनिवर्स का अगर निगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डैट मीन्स वो रिएक्शन खुद से नहीं होगी, और अगर जीरो है तो इक्विलिब्रियम पे है। तो ये पॉइंट है यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में, इसलिए एंट्रोपी से हम स्पॉन्टेनिटी को नहीं बताते हैं, किससे बताते हैं, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी से। क्यों, क्योंकि डेल्टा जी जो सिस्टम का होता है वो माइनस ऑफ टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो अगर ये पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव, इसलिए इस केस में हम बोलते हैं डेल्टा जी सिस्टम का अगर स्मॉलर देन जीरो है तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी सिस्टम का अगर ग्रेटर देन जीरो है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी अगर जीरो है सिस्टम का तो फिर इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम का डेल्टा जी निकालना इजी है, इसलिए इसके आगे रिक्वायरमेंट भी पड़ी, तो ये ज्ञान की बात में इंपॉर्टेंट है। तो आई होप एंट्रोपी का जितना भी पॉइंट था सब हमने डिस्कस कर दिया, इससे बाहर कुछ नहीं है, जितने भी प्रॉब्लम हमने लिए सब PYQ थे। अब आप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कर सकते हो, और आप एनालाइज कर सकते हो कि आपको विद इन 20 और 30 मिनट में पूरा एक जगह पर मिल जा रहा है। इससे बेस्ट वीडियो लेक्चर बेटा आपको कहीं नहीं मिल सकता है। थैंक यू।